हाय गाइज, मैं हूँ अश्वनी महोदय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अश्वनी महोदय ओमनीपोटेंट। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक जुगाड़ बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ, और इस जुगाड़ को मैंने ट्रायल किया जो कि यह जुगाड़ असफल है। तो ऐसा जुगाड़ आप ना करें, क्योंकि यह जुगाड़ असफल है। मैंने इसको बहुत दिन पहले ही कर चुका हूँ और उसको मैं आज वीडियो के माध्यम से आपको प्रदर्शित करने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से यह जुगाड़ असफल है। तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ आप देख सकते हैं यह पानी का पीवीसी पाइप है और नियर अबाउट इसकी लंबाई जो है कि 5 फुट के नियर अबाउट है, और जो है कि यह 5 फुट के नियर अबाउट यह लंबा है। और इसमें आप देख सकते हैं कि यह बीच से खोखला होता है, इधर से जो है कि यह खोखला होता है, इसमें आर पार छिद्र होता है। और मैं आपको बता देता हूँ कि यह पाइप में जो है कि ऐसे दबाव डालने पर, जैसे आप देख सकते हैं, लपकपन इसमें होता है, लचक होता है, लचक जाता है। तो इसी लचक को ख़त्म करने के लिए हम कुछ ऐसा जुगाड़ लगाए थे कि इस जो है कि पाइप के, इस वाले पाइप के बीच में मैंने एक जो है कि 3 फुट का लंबा सरिया, यह 5 फुट की पाइप है, इसमें 5 फुट लंबा सरिया 3 फुट का डाला था। और उसके बाद बचे हुए इसके स्पेस में मैंने सीमेंट और बालू का पेस्ट बना के इसमें घोल बना के डाला था, और इसके बीच का एयर न बने इसलिए इसको मैं थोड़ा जो है कि वाइब्रेट भी किया था कि ताकि इसके बीच का एयर निकलता जाए और जो है कि सीमेंट और बालू का पेस्ट अच्छे तरीके से भर जाए। तो इसको मैंने नियर अबाउट 1 साल पहले जो है कि भरा था और इसको मैंने सूखने के लिए रख दिया था। तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना इंतजार करते करते मैं इसको बीच बीच में टेस्ट कर रहा था कि ये हार्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आज नियर अबाउट जो है कि हमको 12 महीने हो चुके हैं, लगभग 1 साल इसको फिक्स किए हुए। तो इसका सीमेंट का पेस्ट और सब कुछ सूख चुका है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें लपक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ जो है कि, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो है कि इसमें एक सरिया 3 सूत का डाला हुआ है, और आप देख सकते हैं कि यह सरिया है और इस साइड जो है कि बीच में सीमेंट बालू का पेस्ट है। और आप देख सकते हैं कि इसको इस साइड से लगा के पूरा मैंने इस साइड तक जो है कि डाला हुआ हूँ, और आप देख सकते हैं कि इधर कैप लगा हुआ है, फिर भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ सरिया है लोहे का ये, और इसमें सीमेंट बालू है आप देख सकते हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं इसमें सरिया है और सीमेंट बालू है, फिर भी आप देख सकते हैं कि यह नियर अबाउट इसमें पूरा जो है कि सीमेंट बालू का पेस्ट और सरिया डाल देने पे इसकी वजन जो है कि 2 kg की नियर अबाउट हो चुका है। फिर भी आप देख सकते हैं इसमें कि इसके बीच में यह हार्ड नहीं हुआ है, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यह इसमें लपक है, आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरा लपक जा रहा है। तो इसके बीच में कोई भी एयर नहीं है। तो आप इस वीडियो का, हमारा बनाने का यही मकसद है कि आप ऐसी गलती ना करें। तो मैं आपको बता देता हूँ ऐसी गलती कहाँ होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब हमारा मकान बनता है या किसी का मकान बनता है, तो जो है कि उस पर जो बाउंड्री वाल दी जाती है, जैसे हम जो है कि फ्लोर बर्ज जिसको बोलते हैं बर्जा, वो बर्जा निकालते हैं, उसके ऊपर फिर दीवार देते हैं, दीवार के ऊपर एक डिजाइन बनती है। दीवार बनाने के बाद एक आप देखेंगे तो उसमें इतना डबल, इतना बड़ा लगभग दीवार संपूर्ण बनने के बाद, जैसे फ्लोर लेवल से 2-3 फीट दीवार बनने के बाद आप देखेंगे कि उसमें मिस्त्री इतना बड़ा प्लास्टिक का पाइप डालेगा और बीच में गिट्टी बालू सीमेंट डालेगा, और उसके ऊपर जो है कि 2 से 3 इंच मोटा एक लेंटर टाइप ढाल देता है। तो आप देखेंगे कि दीवार और लेंटर के बीच में सिर्फ और सिर्फ ये पाइप होता है, उसके बीच में छड़ जो होता है उसका जुड़ा होता है। तो ऐसा ना करें। तो मैं आपको दिखा ही दिया हूँ इस पूरे पाइप में बालू सीमेंट और छड़ का पेस्ट मैंने, छड़ और बालू सीमेंट का पेस्ट मैंने डाला हुआ है, फिर भी यह हार्ड नहीं हुआ है, सूखा नहीं है, चाहे जो भी आप कहें सूखा नहीं है, क्योंकि मैंने नियर अबाउट 1 साल से इसको डाल के छोड़ा है सूखने के लिए, फिर भी इसमें लपक अभी भी है। तो इस तरीके की गलती आप ना करें, और मकान में ऐसे पतले पाइप में गिट्टी बालू मतलब छड़ और सीमेंट बालू डाल के, या कहीं कार्नियर में या कहीं डिजाइन में लोड ना दें, तो ऐसे में आपका नुकसान हो सकता है। तो अगर आप हमारा यह वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल अश्वनी महोदय ओमनीपोटेंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।